तो भाई वो देख सकते हैं सुबह के 7 बज रहे हो, कितनी तेज बरसात पड़ रही है यार। बरसात का रुक नहीं रही है, बिल्कुल बहुत परेशान कर रखा है। अभी मैंने अपने बैग पे पन्नी डाली है, ये बैग में से पन्नी निकाली थी, ये मेरी ऑरेंज वाली पन्नी है, और बाकी वीडियो अपलोड कर रहा था बैठ के। तो भाई इतने मैंने चलते चलते वीडियो एडिट करी, वीडियो एडिट करने के बाद ये बरसात लगी यार। बरसात में सच में बहुत ड्यूटी करती है, अभी बरसात में चलना पड़ेगा। 7 बज रहे अगर अपना टारगेट पूरा करना है, भाई बरसात की है चाहे आंधी है चाहे तूफान है, चलना पड़ेगा। और अभी मैंने रात जो दूध लिया था दूध और बंद बंद खाया, दूध इतने दिनों बाद किया तो काई की आ रही घबराहट की, क्योंकि दूध पीछे कच्चा दूध था। पहले तो मैं खूब कच्चा दूध पी लिया था, लेकिन बहुत टाइम बाद कच्चा दूध पिया है तो पी के अजीब सा लग रहा है यार। देखो ये देखो कितने तगड़े बरसात पड़ रही है, देखिए भाई बरसात नाम नहीं ले रही है। बाकी भाई चले थोड़ी देर में, देखते अगर बंद होती ठीक नहीं होती तो चलेंगे, और वैसे भी इतना पानी भर गया देखिए, ये बरसात पड़ रही है। हर हर महादेव भाई, आधा घंटा हो गया बरसात रुकने का नाम ही ले रही है, देख सकते हैं आप। तो भाई चलना पड़ेगा, क्या करें। बाकी मैंने अपना ये रेनकोट पन्नी वाला पहन लिया, बैग भी ढाक दिया है, अब चलते हैं आगे की ओर। हर हर महादेव भाई, वो बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है, बरसात पड़े जा रही है, देख सकते हैं। अभी आके एक चाय की दुकान दिखी है तो यहाँ चाय पी रहा हूँ, आंटी ने चाय दे दिया, और भाई पूरा भीग जाऊँ देखिए। अब चाहे बरसात पड़े चाहे कुछ भी हो चलना था ही, और पैंट वेंट लोवर ओवर सारे गीले हो चुके हैं देख सकते हैं। और बाकी ये बैग अपना यहाँ से पूरा गीला हो गया है यार, यहाँ बरसात कड़ा और बड़ा लफड़ा बिन मौसम के बरसात हो रही है। और जबकि मैंने अपना सारा सामान पन्नी में कर रखा, अंदर से ऊपर से भी पन्नी है, और ये बैग ऊपर से भीग गया है। बाकी चाय पिए फिर आगे की ओर निकले, और यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतर नारियल के पेड़ है, वहाँ भी देखिए नारियल ही नारियल है पूरी जगह। और भाई उस दिन की बात है, जल्दी आदि योग पहुँच जाएंगे, आदि योग के बाद फिर रामेश्वरम के लिए निकलूंगा। अभी देखते हैं दिवाली कहाँ बनाते हैं, आदि योग में बनेगी, आदि योग से आगे बनेगी कहाँ बनती है। अभी ये बरसात के ऊपर बात, अगर ज़्यादा बरसात पड़ेगी तो फिर कहाँ पहुँचते हैं। बाकी चाय पीते और मिलते हैं, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हर हर महादेव। तो भाई वो चाय पी लिया, अब आगे की ओर निकलूंगा, अपना रेनकोट पहन लिया पन्नी वाला, और बैग भी सही से बांध लिया। बरसात अब भी पड़ रही है देख सकते हैं, तो चलते हैं आगे की ओर, फोन रखते हैं बैग में। हर हर महादेव। अब जाके चाय की दुकान देखिए, जब से 3 किलोमीटर पर रुका हूँ अब जाके यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे बैग रखा है और चाय पीऊँगा। और देखिए और पूरे बाल गीले हो गए, आज कैप लगाई है मैंने बड़े दिनों बाद, क्योंकि आँखों पर पानी आ रहा था, और यार कपड़े पूरे गीले हैं। महादेव नहला के ही माने कि 2 दिन से नहाने को नहीं मिल रहा था ना, तो 2-3 दिन से बरसात कर रहे हैं, रोज़ सुबह भीग जाता हूँ और आज भी भीग गया। बाकी चाय पियेंगे आंटी के पास, और यार सुबह से अब तक मैं अपना 10 किलोमीटर करीब चल 10 किलोमीटर हाँ 10 किलोमीटर करीब चल गया हूँ। बाकी मैं नेट पे देखता हूँ कितना चला हूँ मैप पे। बाकी ये रखा मेरा बैग, बाकी चाय पीते हैं। आंटी चाय मिल जाएगी ना। हर हर महादेव। आंटी के थोड़ी शर्म सी आ रही है, कोई बात नहीं, आंटी से चाय लेते हैं, चाय पीते हैं। और देखिए कपड़े पूरे गीले पड़े हैं, टी शर्ट वीशर्ट सब गीली पड़ी है, कोई बात नहीं कपड़े धुल जाएंगे जमाने बरसात में। और भाई देखो बाल ऐसे टूट रहे हैं ऐसे करके, ये बालों की हालत है। कोई बात नहीं, जब यात्रा समाप्त होगी बाल भी कटवाएंगे, दाढ़ी बाल सब कटवाएंगे, रास्ता कैसे चलेगा। चाय ले लें, तो देख सकते हैं आ गई हमारी चाय, चाय पिए हर हर महादेव करते हुए। जय श्री महाकाल। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आगे चलते हैं। तो भाई वो चाय पी के निकल दिया हूँ, और बरसात भी बंद हो गई है देख सकते हैं, सूरज महाराज आने को तैयार हो गए हैं। चलो अच्छी बात है, सुबह से भीग रहा हूँ, अब कपड़े सूख गए, कपड़े सारे गीले पड़े हैं। बाकी चलें आगे की ओर। तो यहाँ पे थोड़ा सवाल वाल कर रहे थे, कहाँ से क्या है क्या नहीं है, दिमाग चाट जाते हैं अगर कुछ बात करो तो, जबरदस्ती के क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं यहाँ पर, क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो। और भाई यहाँ पर एक चीज और है, अधिकतर अपना कमाने के लिए बैठे हैं जबरदस्ती के, आओ खा लो आओ खा लो आओ खा लो। तो भाई बंदे को पसंद भी तो आना चाहिए कोई चीज़ जबरदस्ती की। तो भाई यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बस अपना चलो यहाँ से निकलो। बाकी देखिए ये जा रहा, बाकी कपड़े गीले हो गए हैं, और चलते हैं, सूख जाएंगे, धूप पड़ती रहेगी, बरसात पड़ेगी तो फिर अपना वही पन्नी लेनी है, रेनकोट पहनना है दोबारा। बाकी बैग पर तो मैंने रेनकोट रहन दिया, और बाकी यार यहाँ के लोग ना सच में यार बड़ा साइको टाइप के यार, समझ में नहीं आता, जबरदस्ती ये पूछते, जब ना तुम्हें मेरी समझ में आ रही, ना तुम्हें मेरी, ना मेरी तुम्हें, एक सवाल को ये कहाँ देता है, देता है ये भगवान के प्रति ना आए लोग,
ये ऐसी दिखावे वाले साहब ये। बाकी चलते आगे की ओर, हर हर महादेव। तो भाइयों अब जाके एक दुकान देखी है, वहाँ से सेलो टेप लूंगा, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है ना वो पूरा तरीके से फट चुका है, तो मैंने उस पर टेप चिपकाई थी, वो टेप भी पूरी छूट रही है, तो इस चक्कर में नई टेप लूंगा भाई से, नई टेप लेके फिर बोर्ड को सही करूंगा, क्योंकि बोर्ड भी बहुत पुराना हो गया, 9 महीने हो गए बोर्ड को, तो बोर्ड की थोड़ी हालत ऐसी हो रही है, तो बोर्ड भी चिपका लूँ क्योंकि थोड़ा देखने में साफ भी लगे, क्योंकि बोर्ड पर कपड़ा वपड़ा मारने के बाद जो मिट्टी जम रही है, फिर नई तरीके से टेप लगा के फिर नया बना दूंगा बोर्ड को। बाकी भैया बोर्ड को दे रहे हैं टेप, भाई टेप देना एक सेलो टेप, तो टेप ले ले उससे 1000 रुपये के, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो भाई 40 रुपये की दी है टेप, ये देख सकते हैं सेलो टेप लिया मैंने चौड़ी वाली, तो अब इससे बैठ के अभी कहीं बैठेंगे, बोर्ड भी चिपकाएंगे, और बोर्ड थोड़ा फट रहा है, जो पुरानी टेप है पुरानी टेप हटाएंगे उसके से, पुरानी टेप हटा के बोर्ड को नया सा करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, और अभी कुछ खाएंगे भी, ऐसे तो फ्रूट्स पड़े हैं मेरे पे ये भैया ने, अब चले आगे की ओर, अपनी टेप ले लिए, टेप रख लिया अपने बैग में, हर हर महादेव करते हुए। वैसे जगह तो ये भी खाली पड़ी है, यहाँ कर लेते हैं अपना बोर्ड साफ़ कर लेते हैं, चलो बोर्ड साफ़ करके तैयार करते हैं, हर हर महादेव करते हुए, जय श्री माता। तो भाई मैंने अपना बोर्ड खोल लिया, बोर्ड देख सकते हैं बोर्ड की हालत ऐसी हो रही है, कुछ गंदा आ रहा है, तो बोर्ड साफ़ कर लेंगे, टेप हटानी पड़ेगी, फिर टेप हटा के नई टेप लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई टेप और साफ भी हो जाएगा, बोर्ड बहुत गंदा आ रहा है देख सकते हैं आप। अरे यार बहुत टाइम से मैंने इसे ये लगाओ घर से लेके निकला था, जब से ये ऐसी कैसी है, बाकी बोर्ड साफ करते हैं। तो भाई मैंने बोर्ड को धो दिया था शैम्पू से, और धो धा के देखिए अब चमक रहा, नई टेप लगाई है, बिल्कुल टेप लगा के बिल्कुल नया कर दिया है, ये देख सकते हैं ये पूरी टेप लगाई है भाई, एक घंटा लग गया इसके अंदर इसे धो धा के चिपकाने में, क्योंकि बोर्ड की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि बोर्ड बहुत पुराना हो गया है, 9 महीने हो गए यार, कोई बात ही चल रहा है, देखिए लगती है, लेकिन फिर भी सेलो टेप लेके चिपकाया मैंने, और अभी जहाँ रुकूंगा रात को वहाँ और चिपकाऊंगा। भाई बहुत लेट हो चुका हूँ, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा लग गया था तैयार करने में, अब निकलता हूँ आगे की ओर फटाफट इसे बांध के, क्योंकि अभी तक 5 किलोमीटर आगे होता, तो मिलते हैं हर हर महादेव। इतने धूप बहुत कड़े निकली आई है, और अब थोड़ी देर विश्राम कर रहा था और भूख भी लग रही थी, तो दूध की थैली और बिस्कुट लिया था मैंने, तो बाकी मेरे दो दोस्त आ गए थे, एक दोस्त हो रहा एक दोस्त तेरा, बाकी भी दूध पी के और बिस्कुट खा के फिर आगे की ओर निकलूंगा, आज ज़्यादा नहीं चला, अभी चला हूँ, 1:30 बजने जा रहे हैं, आपका 21 या 22 किलोमीटर करीब चला हूँ, और रखा मेरा पीछे बैग, और जबकि अब तक मैं चल जाता कम से कम 28 किलोमीटर चल जाता, वो अपना बोर्ड ठीक करने के चक्कर में रुक गया था, 1 घंटा मैंने बोर्ड रिपेयर करा अपना, उस पर टेपिंग करी, उसकी धुलाई करी, और देखो ये दोस्त पता नहीं और बिस्कुट मांग रहा है, और भाई दूध पी के बिस्कुट खा के इसे भी कुछ बिस्कुट दे के फिर आगे की ओर निकलते हैं, तो मज़ा आ रहा है चॉकलेट वाला बिस्कुट खा के और दूध पी के, रात पड़ गई क्योंकि दूध पी का चीनी डाल के नहीं पीता, लेकिन चीनी वाले बिस्कुट ले लेता हूँ, ब्राउन वाले चॉकलेट वाले देख सकते हैं यार, बिस्कुट लेता हूँ मैं, और मज़ा आया था, अब खाएं फिर आगे की ओर निकले, मज़ा आ रहा है हर हर महादेव। तो भाई शाम हो चुकी है और 5 बज गए अभी तक मैं 30 किलोमीटर चला हूँ, और वो रखा मेरा बैग, तो चाय पीऊँगा, और पेट में भी दर्द हो रहा था, मैंने दूध पी लिया था, दूध और बंद और बिस्कुट उसके चक्कर में मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने दूध पिया था, कच्चा दूध था, और शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि दूध पच जाए, और आज दूध पी लिया, भूख लग रही तो कुछ दिखा नहीं था, तो मैंने दूध बंद खा लिया, उसके चक्कर में आज पेट में दर्द है, अब जाके थोड़ा फ़र्क पड़ा लेकिन दवाई नहीं मिली, लेकिन भैया से चाय लिया, चाय बनवाई है, चाय पी के फिर आगे की ओर चलूँगा, आज भोजन का नहीं होगा, मन नहीं कर रहा आज भोजन करने का, अगर तबीयत ठीक हो गई तो भोजन कर लूँगा, वरना कोई बात नहीं, वैसे चाय पीते फिर आगे की ओर निकलते हैं, हर हर महादेव। तो भाई वो चाय पी के निकल दिया हूँ आगे, और शाम हो गई है, 5:30 बज रहे हैं, देख सकते हैं अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, आधे 1.5 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, और बगल में पहाड़ है, ऊंचाई नीचाई का इलाका चल रहा पूरा, मतलब कि पहाड़ी इलाका है, बाकी सबसे ज़्यादा खेती खेत है, नारियल के पेड़ है और बहुत सारी चीज़ है, और बाकी चले पावर बैंक मेरे 2 डिस्चार्ज हो गए, अब तीसरा बचा है, चौथा बात सबसे इमरजेंसी के लिए, बाकी देखते हैं चल के आगे क्या रुकने की व्यवस्था होती है, अभी तो फ़िलहाल यकीन नहीं मानोगे 32 किलोमीटर चला हूँ, जबकि कल मैं आपका 3:30 बजे करीब चल गया था आपका 33 किलोमीटर, 3:30 बजे 3:30 बजे करीब चल गया था 33 किलोमीटर, और अब 32 किलोमीटर चला हूँ क्योंकि पेट में दर्द था, और यार सच में महादेव परीक्षा ले रहे और मज़ा आ रहा है परीक्षा देने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्द को सहना सीखना पड़ेगा जब तक ऐसी जगह पर है, और देखिए वैसे कितना प्यारा व्यू है, तो चलते हैं हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, कैसे हो आप, ठीक, हिंदी आती है,
थोड़ा थोड़ा आता है। कहाँ से हो आप? यहीं से हो? अच्छा, ये कौन सी जगह? माधव नंदी। अच्छा, मेरे को इतना नहीं पता, तो भैया ने मुझे भी चाय वाय पिलाई है, बिस्कुट खिलाया है, और कहते हैं ना हेल्प करते हैं। भैया की दुकान पे मैंने अपना पावर बैंक चेक करा और चार्जिंग के लिए लगा रखा है। भाई देख सकते हैं, ये रे भैया, हर हर महादेव। अब एक बार शहर का नाम बता दो, कौन सा है जगह का नाम? होली दुर्गा। होली दुर्गा कर्नाटक में? हाँ, होली दुर्गा है कर्नाटक में। मदापनाली। तो भैया के पास बैठा हूँ, चाय वाय पावर बैंक भैया का से लगा दिया, चाय पी। अभी सोच रहा हूँ कैंपिंग करूंगा, आज ज्यादा चला नहीं, क्योंकि आज मैं चला हूँ आपका 33-34 किलोमीटर की, पेट खराब हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, और यहीं स्टे करूंगा, यहीं कैंपिंग करूंगा। अभी पावर बैंक लगा रखा भैया के पास। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। तो भाई हमारा लग चुका है टेंट, देख सकते हैं, ये रहा हमारा टेंट, ये लग गया है, और भैया ने भोजन ला के दे दिया था मेरे को। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। तो भैया ने अपने घर से मुझे सांभर और चावल और क्या थे, पकौड़े सांभर और चावल और पकौड़े ला के दिए थे। यहाँ पे थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, तो इस चक्कर में खाना खाया, खाना खाने के बाद राहत पड़ गई, दिल खुश हो गया। सोच रहा था खाने का कैसे होगा, लेकिन भैया ने अपने घर से ला के दे दिया यार। महादेव सुनते यार, कहीं ना कहीं से भोजन की व्यवस्था करा देते, कल भी करा दी थी और आज भाई को भेज दिया। तो देख सकते इस प्रकार मेरा भोजन हो चुका है, और बाकी ये लग गया है मेरा टेंट। थैंक यू भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको हिंदी कब आती है ना? हाँ, भैया को हिंदी नहीं आती, भैया घर से खाना लेकर आया, मेरा पावर बैंक भी चार्ज कर दिया, मेरे चक्कर में रुके थे, और बाकी ये लग रहा है मेरा टेंट। तो भैया से बात कर लूँ, फिर चलते हैं टेंट के अंदर। तो भाई देख सकते हैं, मैं अपने छोटे से घर में आ गया और भोजन भी कर लिया, और भाई नींद आ रही है बहुत तेज की, और यार प्रसाद जब मर्जी पड़ती है, प्रसाद का कोई भरोसा नहीं है। बाकी ये सामान मेरा इस साइड रखा है, पहले इस साइड था, अब इस साइड है, हमेशा चेंज होते रहती है, क्योंकि जैसी जगह होती है, देखो कीड़े आ गए, या कीड़े बहुत हैं, भी हल्का सा खुलने पे कीड़े आ गए थे, देखिए छोटे छोटे, भाई हल्का सा भी खुल तो आ जाते हैं। तो भाई अब जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अरे हर महादेव।